लेकिन कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे जी। ठंड है लेकिन वो भैया वाली नहीं है। ठीक है, आ गई। तो वो एक औरत दूर बैठी नजर आई हमें लाल कपड़ों में, तो हमने पूछा कौन हो तुम, तो बोलती है सामने से तो बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन इसमें वीडियो में थोड़ा डार्क आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो, सब ठीक हो? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करती हूँ शुरू। हम लोग आ गए हैं बाहर और मेरे साथ हैं आपके अंकल। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे जी। हम लोग आ गए हैं जी आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए, मैं और आपके अंकल, और घर में हम लोग नमाज पढ़ के असर की आए हैं और घर में खाना खा लिया है और सारे काम करके तो फिर आ गए हैं। तो और सुनाएं जी। जी मेरी फैमिली, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जब इनका न्यू ईयर होता है ये सब चले जाते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैंने कल भी देखा है इधर बंदे हैं और आज भी देख रही हूँ कि सारे इधर ही हैं। और मुझे तो अभी याद आया कि वो तो कोरोना है और ये सारे जब न्यू ईयर पे ना, जैसे हम लोग अपने मुल्कों में चले जाते हैं और इसी तरह ये सब लोग चाइना चले जाते थे और अभी तो सारे रास्ते बंद हैं, इसलिए ये सारे लोग इधर के इधर ही ईद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सब शॉप खुल गई हैं, कोई ये नहीं मना रहे ईद, ये लोग इधर के इधर ही हैं। और नहीं, कुछ बंद भी हैं। हम लोग प्लाजे में इसलिए आते हैं कि कहीं भी जाने के लिए प्लाजे में रास्ते हैं, इन्होंने इधर से ही रास्ते बनाए हुए हैं, इसलिए हमें प्लाजे में आना ज़रूरी होता है। हमने जिस तरफ जाना है इधर से निकल के जाना है। अभी हम जिस तरफ भी जाएंगे इसी तरह दाएं बाएं आगे पीछे प्लाजे से ही रास्ता मिलेगा हमें जी। मेरी फैमिली, हम लोग आए थे इधर खीन मून आए थे हम लोग, और आपके अंकल ने डॉक्टर को देखना था तो उनके बाजू में पेन थी, हमने सोचा क्यों ना हम लोग ज़रा आपको इधर बीच भी दिखाते चले, लेकिन अभी थोड़ी रात हो गई है तो देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं समंदर के किनारे की क्या पोजीशन है जी। ये देखें समंदर, रात हो गई है, डार्क हो गया है थोड़ा। हम लोग हॉस्पिटल आए थे लेकिन अभी इधर पहुँचते पहुँचते थोड़ा डार्क हो गया है, लेकिन माशाल्लाह देखें सारा समंदर है। वो वो दूर, वो दूर एयरपोर्ट है। हाँ जी, ये एयरपोर्ट है और माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा लग रहा है। सामने से तो बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन इसमें वीडियो में थोड़ा डार्क आ रहा है। पानी की आवाज तो आपको आ रही होगी। आए, किस किस ने स्विमिंग करना है, आए और स्विमिंग करें। हम लोग आए थे कि आपको हम बहुत 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 अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे जी। ठंड है लेकिन वो भैया वाली नहीं है। ठीक है, हम लोग बर्दाश्त होने वाली है, अच्छी है और बड़ा प्यारा मौसम है,
आपके अंकल आगे आगे मेरे जा रहे हैं, पीछे होते तो आप देख सकते थे। आज तो खाना बना के आए थे, खाने में चिकन बनाया था और जाके राइस बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। खाना वैसे भी लेट खाते हैं और हम लोग तो बहुत है, देखे कैसे सैर कर रहे हैं। वैसे भी ये सब लोग भी सैर कर रहे हैं। जी जी, अंकल के पास चलते हैं। अंकल क्या कहते हैं जी, आप जल्दी जल्दी से आगे आगे। जी हम लोग समंदर के किनारे सैर कर रहे हैं और पानी की आवाज़ें सुन रहे हैं। माशाल्लाह, आप भी देख सकते हैं। हम लोग अपनी लाइट रेल में जाने लगे हैं वापस, देख रहे हैं हमने। हाँ जी, अपनी लाइट रेल के लिए हम लोग जा रहे हैं, फिर बाद में घर जाएंगे। हमारी गाड़ी आ चुकी है और अभी हम लोग इंटर हो गए हैं। अभी हम जाएंगे अपने प्लाजे पे। जी मेरी YouTube फैमिली, हम लोग अभी वापस आए हैं और प्लाजे से निकले हैं, तो इधर मुझे मेरी फैमिली मिल गई है, बेटी है और दामाद जी हैं और नवासी है मेरी। हम लोग इनसे मिले हैं और अभी इनसे मिलते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप फिर सब लोग इधर ही हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का, हम लोग तो इधर ही हैं। हम मत पूछो हम कहाँ से आए हैं। इधर से हो, क्या आ रहे हो? हम लोग थीमून गए हुए थे और हाँ जी, वो पहले तो गए थे आपके अंकल की दवाई लेने, फिर हम लोग चले गए बीच बीच, बिल्कुल डार्क। और स्नान भी ला, क्या लेके आई है, ये क्या है? सर्दी हो गई है बहुत। अच्छा, तो वो पहले वाला जो था वो तो खराब हो गया, फेंक दिया वो। ओह, यहां पे ठीक करने का थोड़े ना रिवाज है, बस खराब हो गई चीज, फेंक दो, नहीं ले लो। अच्छा जी, तो अभी क्या पढ़ा होगा? हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, तो क्या आजकल चल रहा है? आजकल मामा के साथ नसी है। और किसकी बेटी है? मामा की, पापा की, दादा की? ऑल ऑफ देम। ठीक है, ओके। ये है नाना, पीछे देख देख के खुश हो रहा है, तो हंस रहा है। Hi, I hope you have a good day and remember to subscribe to my grandma's YouTube channel and like and hit the bell icon. जी मेरी YouTube फैमिली, और आज हम लोग आपके लिए गए थे बीच पे नज़ारे दिखाने, कुछ नज़ारा नहीं मिला आपको। आज जो कल आपने पार्ट वन देखा था, उसका पार्ट टू भी मिलेगा, और आज जो मैंने थोड़ा व्लॉग बनाया वो भी आपको मिलेगा देखने को। और आंटी के चैनल को जो है ना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक भी करना, कमेंट तो ज़रूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बच्चे आज बाहर आए हैं, तो आज फिर क्या है जी, पिज़्ज़ा। कुछ बच्चे पहले मैकडोनल्ड लेके आए थे, देखें वो मैकडोनल्ड पहले खा के बैठे हैं, और अभी लेके आए हैं पिज़्ज़ा। और मैंने कहा मेरे व्यूअर्स बोलेंगे कहीं ये आंटी पिज़्ज़ा खा खा के पिज़्ज़ा ही ना बन जाए। ये वेज पिज़्ज़ा है और ये सी फूड है। ये देखे अयान कहाँ बैठा हुआ है, ये देखे साहब खाने के लिए रेडी है, और ये देखे पहले इससे मैकडोनल्ड खा के और इतना ज़्यादा कचरा फेंक के आए हैं मैकडोनल्ड का, वो तो फिर उनको भूख लगी हुई है।
हम सब खाने लगे हैं पिज़्ज़ा। वाओ डिलीशियस, ये देखे कैसे खा रहा है। और व्यूअर्स, मैं मुझे पता नहीं अंकल की स्टोरी का नहीं मुझे पता, वो सुनाए नहीं सुनाए, लेकिन मैं अपनी स्टोरी ज़रूर आपसे साथ शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी, इतनी छोटी भी नहीं थी, ये शादी से पहले की बात है, अम्मा के साथ सुबह वॉक करने के लिए निकल जाते थे। इधर ही थे हांगकॉन्ग में हम रहते थे, और जिस जगह पे हम रहते थे उधर साथ ही एक जंगल सा था, जैसे दरख्त थे लेकिन उन लोगों ने बंद किया हुआ था। और क्योंकि अब्बा पुलिस में थे और जो एरिया था वो सिर्फ पुलिस वालों का ही था, उधर सिर्फ पुलिस वाले रह सकते हैं, और स्टेट पूरी पुलिस वालों की थी। और साथ में वो जो मैं बता रही हूँ ना, खुली जगह थी, काफ़ी खुली थी और जंगल सा था। मैं और अम्मा एक दिन सुबह सुबह नमाज के टाइम हम लोग वॉक के लिए निकले, और मैं जल्दी जल्दी चल रही थी तो अम्मा पीछे थी। तो जब मैं थोड़ा आगे चली गई, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी है, मेरा नाम किसी ने लिया है। तो मैं तो डर गई बड़ा सख्त, मेरे पीछे नहीं आगे की तरफ किसी ने, जंगल की तरफ से किसी ने आवाज़ दी। जब मैंने उधर, फिर मैंने समझा शायद ऐसे ही लग रहा मुझे ना, अम्मा अभी काफ़ी पीछे थी, तो मैंने वहीं खड़ी रही। मैं इतनी देर में फिर दोबारा आवाज़ आई, फिर मेरा नाम लिया गया, तो मैं तो बहुत डर गई, कांपना शुरू हो गई। तो इतनी देर में अम्मा आ गई, तो वो एक औरत दूर बैठी नज़र आई हमें लाल कपड़ों में। तो हमने पूछा कौन हो तुम, तो बोलती है मैं खुद ही हूँ, ऐसे उसने बोला। तो इतनी मुश्किल से वहाँ हम लोग मुड़े और वापस घर की तरफ आए, बता नहीं सकते, कदम जो थे वो इतने भारी हो गए थे कि चल नहीं, बहुत ही मुश्किल हम लोग घर पहुँचे। और आके सबको बात बताई, उन्होंने बोला ये तो कोई और ही चीज़ थी, जैसे कि चुड़ैल थी या कोई, ये इंसान नहीं, इंसान तो नहीं ना इतनी, उधर कौन बैठेगा लाल जोड़ा पहन के जंगल में, तो वो तो कुछ चुड़ैल थी। शुक्र है अल्लाह का, उस दिन अल्लाह ने हमारी जान बचाई और हम लोग खैर करिए से वापस आए। जी व्यूअर्स, अभी तो सब गप्पे शप्पे हो गई हैं, बच्चों ने खेल लिया है खूब, काफ़ी देर से इधर ही हैं बाहर ही हैं, और इन लोगों ने तो फिर वही पिज़्ज़े ले आए थे और पता नहीं क्या क्या खा रहे थे। और अभी आंटी लोग जाने लगे हैं वापस। आंटी को इसी के साथ दीजिए इजाज़त, आंटी को दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब बच्चे जा रहे हैं और इजाज़त चाहते हैं। बाय 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 बाय। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त, और मेरी मॉम के चैनल को बहुत बहुत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन। व्यूअर्स, अभी दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए और अपनी शहनाज आंटी के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। आंटी के चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और दुआओं में ज़रूर याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। बोलो व्यूअर्स, अभी दीजिए हमें इजाज़त, दुआओं में याद रखिए और अपनी शनाज आंटी के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइटम को बेल आइटम